और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की, जहां दोस्त के साथ घूमने गया युवक का सुराग अभी तक नहीं लग सका है, जिससे नाराज परिजनों ने रसूलाबाद झिझक मार्ग जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन परिजनों को समझाती हुई नजर आई, जबकि परिजन अपहरण कर हत्या किए जाने का अभियोग दर्ज करने पर अड़े रहे। बताते चले कि कस्बा रसूलाबाद निवासी 23 वर्षीय फैजान उर्फ छोटू 5 दिनों से लापता है। फैजान की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। प्रीतम पाल अपने दोस्त फैजान उर्फ छोटू को झिझक घुमाने लेकर गया और वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर लापता युवक की खोज शुरू की। वहीं 5वें दिन खुद प्रीतम पाल कोतवाली रसूलाबाद में हाजिर हुआ और अब लापता युवक के बारे में प्रीतम पाल से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस लापता युवक की झिझक रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कट जाने की बात पर भी गंभीरता पूर्वक जांच में जुटी है। तो वहीं परिजन अपहरण और हत्या किए जाने का अभियोग दर्ज करवाने के लिए झिझक मार्ग पर जाम लगा दिए। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। फोटो साइकिल बना रखा।